नमस्कार दोस्तों, एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज चैनल पे मैं डॉक्टर अनुकांत आज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपकी पीठ से दर्द एडी तक जाता है, या क्या आपकी एक टांग में सुन्नपन रहता है, या आपको ये लगता है चलते हुए एक टांग में बिजली की तरह दर्द ऊपर नीचे होता है? अगर ऐसा है तो दोस्तों, हो सकता है आपको शियाटिका की प्रॉब्लम हो। अब ये शियाटिका की प्रॉब्लम क्या होती है? दोस्तों, हमारे लोअर लिम्ब में हमारी टांगों की सप्लाई बैक साइड पे एक नर्व के थ्रू होती है जिसका नाम है शियाटिक नर्व। जब ये नर्व दबेगी या इरिटेट होगी या किसी भी वजह से इस नर्व के ऊपर कोई प्रेशर आएगा तो ये नर्व इरिटेट होके हमारे टांग में उस इरिटेशन को दर्द के रूप में आगे लेके जाएगी। क्योंकि ये एक ही नर्व है जो हमारे इनर साइड ऑफ लेग और बैक ऑफ लेग को कवर करती है, तो शियाटिक नर्व के नाम पे इस बीमारी का नाम शियाटिका या शियाटिक पेन रख दिया गया है। इसके कॉमन सिम्टम्स रहते हैं हमारे हिप से दर्द निकलनी और टांग के नीचे तक जानी, या नीचे से दर्द ऊपर की ओर आना। ये इनर साइड ऑफ थाई और लेग के लोअर पार्ट में, काफ मसल में सबसे ज्यादा रहती है। दोनों साइड भी हो सकती है, या लेफ्ट एंड राइट साइड अलग अलग भी हो सकती है, या अल्टरनेट साइड भी हो सकती है, कभी लेफ्ट साइड हो गई कभी राइट साइड हो गई। उसके बाद ये कांस्टेंट पेन है, ये पेन लोअर बैक में भी कांस्टेंटली रहती है। इसके बाद नंबनेस और वीकनेस रहेगी हमारी लेग में, हमारी टांग में, हमें उसको खींच के लेके जाना पड़ेगा। और ये पेन सबसे ज़्यादा होती है जब हम बैठते हैं या उठते हैं, क्योंकि तभी हमारे मसल्स हमारी नर्व को सिग्नल देंगे और वो जो नर्व दबी हुई है वो हमारी बुरी हालत कर देती है। इस दर्द के साथ साथ मैंने बताया नंबनेस या फिर टिंगलिंग रहेगी हमारी पूरी की पूरी टांग में। अब ये जो चीज़ है ये क्यों है, इसके कई कॉजेज हैं। सबसे ज़रूरी कॉज, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नर्व कहीं पे दब गई। अब वो दबने की लोकेशन क्या है? अगर हमारे लंबर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तब दब गई, वो प्रॉब्लम लंबर कैनाल स्टीनोसिस भी हो सकती है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी हो सकती है, लंबर स्पॉन्डिलिथियसिस भी हो सकती है कि हमारे जो लंबर स्पाइन के वर्टिब्राज हैं वहाँ डिजेनरेशन हो गई है, वहाँ ओवरग्रोथ हो गई है, या ज़्यादा काम करने से मसल्स और लिगामेंट्स स्ट्रेच हो गए हैं बैक के, वो भी प्रेशर डालेंगे। प्रेगनेंसी पे भी ये हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होने की उम्मीद रहती है, साथ में मोटे लोगों में, ओवरवेट लोगों में ये रहती है प्रॉब्लम। और सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट, जिनका सब कुछ ठीक है लेकिन जो बहनें, जो फीमेल्स हाई हील पहनती हैं उनको ये पेन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि हील से वो प्रेशर, वो कंप्रेशन, वो इरिटेशन नर्व का ऊपर की तरफ जाएगा। ये हैं इनके कॉजेस। और आगे, अब आगे प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस में हम लेंगे रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना बैठे हुए, और ज़्यादा सामान नहीं उठाना, हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सामान उठाना है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में दोस्तों, जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो नंबनेस ऑफ द लिम्ब है, लेकिन
क्योंकि शियाटिक नर्व का कुछ पोर्शन हमारे रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर को भी सप्लाई करता है। अगर ज़्यादा इफेक्ट हो गई है तो हमें स्टूल पास करने में और यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आएगी। और तीसरी चीज़, जब लिम्ब इफेक्टेड है, लेग इफेक्टेड है, नर्व इफेक्टेड है, तो वीकनेस तो वहाँ पे होगी ही होगी। मैंने आपको इसकी प्रिवेंशन बता दी, इसको मेंटेन करने का तरीका बता दिया। अब आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, होम्योपैथी में दोस्तों आप सबको पता है, ट्रीटमेंट कोई भी डिजीज़ हो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज्ड वे में ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं और आप सोच भी नहीं सकते इस तरह की दवाइयां हैं। कॉमन दवाओं में अमोनियम म्यूर, रूटा, कोलोसिंथ, लेफ्ट लेग के लिए, राइट के लिए लैकेसिस, कैमोमिला, फाइटोलेका, ये वो कॉमन मेडिसिन हैं जो कि हर बिगनर, हर होम्योपैथिक डॉक्टर शियाटिका का नाम आते ही आपको सबसे पहले सुजेस्ट करेगा। लेकिन बेटर है आप अपने पूरे स्कैन्स करवाएं, एमआरआई करवाएं, सीटी स्कैन करवाएं, बैक का एक्सरे करवाएं, उसके बाद अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलें, या हमारे ऑफलाइन क्लिनिक पे आएं, या ऑनलाइन जो हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसका फ़ायदा उठाएं, अपने रिपोर्ट्स भेजें, और फिर आप देखेंगे होम्योपैथी में कमाल की मेडिसिन हैं। अब जैसे कुछ मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है कि आप टांग को नीचे लटका के आपका दर्द बढ़ रहा है, जो कि बढ़ता है, वलेरियाना मेडिसिन है, और टांग नीचे लटका के ऐसा लगता है टांग फूल गई, तो नाजा मेडिसिन है। अगर ये शियाटिका आपको हेमोराइड्स के साथ है तो एसेकुलस मेडिसिन काम करेगी, और अगर ये आपको हॉट वेदर में हो गई है, गर्मी के मौसम में, तो काली बाइक्रोम काम करेगी। इसी तरह से मान लीजिए शियाटिका के साथ साथ आपकी टांग के ऊपर ब्राउनिश स्पॉट आ गए हैं तो सीपिया काम करेगी। अगर आपकी ये पेन आगे झुकने से बढ़ती है तो थुजा मेडिसिन काम करेगी, और अगर पीछे झुकने से बढ़ती है तो कैप्सिकम काम करेगी। तो अब ये देखिए, इस होम्योपैथी में शियाटिका के लिए ही ये सारी चीज़ें कितना मैटर करती हैं। एक छोटा छोटा सिम्टम, जैसे मान लीजिए अल्टरनेट साइड पे हो रहा है, मैंने शुरू में आपको कहा था दोनों साइड में भी हो सकता है, या कभी एक कभी एक में, तो उसके लिए लेग कैनाइनम मेडिसिन है। अगर ये नंबनेस के साथ दर्द है, दर्द भी है और नंबनेस भी है, टिंगलिंग भी है, नेफ्लियम मेडिसिन काम करेगी। और मान लीजिए शियाटिका के साथ आपको ये लगता है आपकी टांग थोड़ी छोटी हो रही है, मसल्स वीक हो रहे हैं, तो प्लम्बम मेट, ओलियम जैक, ये मेडिसिन्स काम कर सकती हैं। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि शियाटिका का इलाज प्रॉपर वे में सिर्फ होम्योपैथी में है, कि होम्योपैथी में हम आपकी पेन से रिलेटेड, आपकी नर्व से रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, आपसे हर छोटी चीज़ पूछेंगे, और फिर उसके हिसाब से दवाई देंगे, ताकि आप हमेशा के लिए और सदा के लिए, हमेशा के लिए, परमानेंटली, कुछ भी कहें, आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकें, क्योर हो सकें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको शियाटिका या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत ही हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन कंसल्टेशन चैनल पे आएं
और अपनी प्रॉब्लम को बताएं, ताकि हम इंडिविजुअलाइज्ड वे में आपकी इस बीमारी को ठीक कर सकें और आपको एक हेल्दी लाइफ जीने में सहायता कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।